दोस्तों आप मॉडर्न इंडिया के तमाम गवर्नर जनरल के नाम जानते ही होंगे, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी हो या लॉर्ड कॉर्नवालिस। परंतु क्या आप जॉन मैकफर्सन के बारे में जानते हो? यह ब्रिटिश पीरियड का सबसे बड़ा घूसखोर अधिकारी था। इसे 1767 में इंग्लैंड से भारत भेजा गया था छोटे मोटे काम करने के लिए। बट हुआ यह कि वॉरेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिजाइन दे दिया। नाउ गवर्नर जनरल की सीट खाली हो गई। इसी बीच में मैकफर्सन को गवर्नर जनरल बना दिया गया एक शॉर्ट पीरियड के लिए कि जब तक कोई दूसरा गवर्नर जनरल ना आ जाए। इतिहास में मैकफर्सन को सबसे भ्रष्ट अधिकारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर अखरोट के नवाब से रिश्वत लेने का आरोप था, जिसके कारण इन्हें मद्रास काउंसिल ने निष्कासित कर दिया था। हालांकि मैकफर्सन ने इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने अपील भी की थी, बट कोई सबूत ना मिलने पर बहाल कर दिया गया था। मैकफर्सन को ओनली 20 महीने के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया था। इनके कार्यकाल में ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट्स नहीं हुई थी। ओनली 1786 में मराठा और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था, परंतु मैकफर्सन युद्ध समाप्त होने से पहले ही इंग्लैंड लौट गया था।